अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान। 1857 क्रांति। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी से 10 मई 1857 ईस्वी में हुई। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थीं, नसीराबाद अजमेर, नीमच एमपी, देवली टोंक, खैरवाड़ा उदयपुर, एरनपुरा पाली, ब्यावर अजमेर। खैरवाड़ा छावनी और ब्यावर छावनी में विद्रोह नहीं हुआ। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और राजस्थान के प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड या जफर था। राजस्थान में एजीजी का मुख्यालय अजमेर में और गर्मियों में माउंट आबू में होता था। मारवाड़ या जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन या मॉकमेशन। मेवाड़ या उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर शावर्स और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन और कोटा क्षेत्र के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन। नसीराबाद छावनी जो अजमेर में थी, इसमें 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट NIR के सैनिकों ने नसीराबाद छावनी से की। विद्रोहियों ने सैनिक अधिकारी न्यूबेरी और हुड की भी हत्या कर दी। इस छावनी की स्थापना 25 जून 1818 ईस्वी में हुई। दूसरी है नीमच छावनी MP 3 जून 1857। सैनिकों ने मोहम्मद अली देव और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। डूंगला चित्तौड़गढ़ में नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज अधिकारियों व उसके परिवारों को बंधक बनाया गया। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स ने इन अधिकारियों को मुक्त करवाया। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अधिकारियों को जगमंदिर महल पिछोला झील उदयपुर में शरण दी थी। एरनपुरा छावनी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरनपुरा छावनी से सैनिकों ने सूबेदार मोती खां शीतल प्रसाद तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह किया और चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और पिथौरा का युद्ध पाली में 8 सितंबर 1857 को हो गया। इस पिथौरा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तखत सिंह तथा कैप्टन हितकोट की सहयोग संयुक्त सेना को पराजित किया था। फिर और आगे बढ़े 8 सितंबर के बाद फिर 10 दिन बाद चेलावास का युद्ध पाली में हो गया 18 सितंबर 1857 को। इस युद्ध को गौरव व कालों का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पराजित किया तथा मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन को मारकर उसके शव को आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया। यह क्वेश्चन डबल एओ में आया हुआ है कि किस पॉलिटिकल एजेंट के शव को आउवा के किले पर लटका दिया था। मैकमोशन के शव को आउवा के किले पर लटका दिया था। कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को मेहराब खां और जयदयाल के नेतृत्व में कोटा की सेना व जनता ने विद्रोह कर दिया और कोटा के महाराजा राम सिंह सेकंड को नजरबंद किया और सत्ता अपने हाथ में ले ली।
कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन को मारकर उसके सिर को पूरे शहर में घुमाया गया। मेजर बटन की रक्षा में लापरवाही बरतने के अपराध में रामसिंह सेकंड की तोपों की सलामी में सलामी की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई। 30 मार्च 1858 ईस्वी को अंग्रेज मेजर रावत ने कोटा पर अधिकार किया और जयदयाल और मेराद खां को फांसी दी गई। इस समय करौली के राजा मदनपाल ने मेजर रावट्स की सहायता की, अतः ब्रिटिश सरकार ने मदनपाल को जीसीआई गवर्नर कमांड ऑफ इंडिया जनरल कमांड ऑफ इंडिया की उपाधि दी तथा मदनपाल को 17 तोपों की सलामी दी गई। तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम 18 अगस्त 1857 ईस्वी को कुवाड़ा भीलवाड़ा पहुंचे। कुवाड़ा भीलवाड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1857 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मेजर रावत ने तात्या टोपे को पराजित किया। तात्या टोपे कुवाड़ा से अकोला और अकोला झालावाड़ पहुंचे और झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को पराजित करके खुद को झालावाड़ का राजा घोषित किया। अंत में नरवर के जागीरदार मानसिंह नरुका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में एमपी में तात्या टोपे को फांसी दी गई। अमरचंद बाठिया बीकानेर निवासी अमरचंद बाठिया ने अपनी संपूर्ण संचित धनराशि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता के रूप में दे दी। अतः अमरचंद बाठिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 22 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में अमरचंद बाठिया को फांसी दी। अमरचंद बाठिया राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जो इस क्रांति के दौरान शहीद हुए। अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने वाले राजस्थान के शासक हैं बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी रियासत या पंजाब राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता बड़लू पंजाब में की थी। इस सहायता के बदले ब्रिटिश सरकार ने सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गांव दिए। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों की सहायता की। इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि दी तथा कोट कासिम का परगना दिया। चौथे हैं जोधपुर के महाराजा तखत सिंह, करौली के राजा मदनपाल, कोटा के महाराजा राम सिंह सेकंड, अलवर के महाराजा बने सिंह, धौलपुर के महाराजा भगवंत दास। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो।